हेलो गाइस, तो हम लोग देख रहे थे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तो आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जब वस्तु केंद्र पर होती है, वक्रता केंद्र पर, आज हम लोग देखेंगे वस्तु जब केंद्र और फोकस के बीच होती है। जब वस्तु केंद्र और फोकस के बीच होती है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे गाइस, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, और ये आपका हो गया पोल, और ये आपका हो गया फोकस, और ये आपका केंद्र। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो केंद्र और अनंत के बीच में, ये आपका इधर अनंत हो गया और ये हो गया वक्रता केंद्र, तो केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। और दूसरा है क्या कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, तो उसकी प्रकृति क्या है, तो वो क्या है, जब भी मुख्य मुख्य अक्ष के ऊपर रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि प्रतिबिंब सीधा है, और जब नीचे रहता है तो हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब उल्टा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो आपका उल्टा है, और कहाँ में बन रहा है, केंद्र और अनंत के बीच में। तो इसकी जो प्रतिबिंब बनेगी उसके हम लोग तीन चीजें देखते हैं। पहला आपका होता है स्थिति, तो इसकी स्थिति कहाँ है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। दूसरा आपका प्रकृति, वास्तविक और उल्टा। थर्ड आपका है कि प्रकृति, जो वस्तु का जो साइज होगा वो क्या होगा, तो यहां पे देख सकते हैं ए बी जो है वस्तु वो छोटा साइज का है, और ए डैश बी डैश जो उसका प्रतिबिंब है वो उसके कंपेयर में बहुत बड़ा है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब वस्तु केंद्र और फोकस के बीच होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है। गाइस, तो हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु फोकस पर होती है ना तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो फॉर एग्जांपल, जब यहाँ पे ये जो आपका फोकस है, ये आपका पोल है, और ये आपका वक्रता केंद्र सी है, और ये ए बी आपका वस्तु है, तो जब ये लाइट यहां से, लाइट रे यहां से जाती है तो ये जो है ना, जब ये देखेंगे हम लोग जब टकरा करके ये फोकस से लौटती है और ये केंद्र से, तो यहां पर इधर साइड में ना देखेंगे कि ये काट रही है, मतलब ये एक दूसरे को काट नहीं रही, इसका मतलब इधर में प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो हम लोग फिर इमेजिन करते हैं, फिर हम लोग दर्पण के पीछे देखते हैं, तो इधर में लाइट रे को आगे बढ़ाते हैं, फिर डॉट डॉट करके मैंने दर्शाया है, और इधर फिर क्या होगा ना कि दर्पण के पीछे जो ये लाइट रे जा रहा है, दर्पण के पीछे पता चलेगा ना कि वो कहाँ पे जाकर के प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जहां तक हम लोग का बोर्ड है, मतलब कि जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं वहां तक ये एक दूसरे को काट नहीं रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जहां तक हम लोग का रीच है वहां तक में ये प्रतिबिंब नहीं बना रहा है, लेकिन हो सकता है ना कि अनंत में जा करके एक दूसरे को काटेगा तो हो सकता है प्रतिबिंब बनेगा। तो इस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि जो जो प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो होगी अनंत पे, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा। और प्रकृति क्या होगी, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगी तो वो प्रतिबिंब जो होगी वो आपका सीधा होगी, और दर्पण के अगर लेफ्ट साइड है, मतलब पोल के इधर है, तो प्रतिबिंब जो होगी आपकी वास्तविक होगी, और दर्पण के पीछे अगर बनती है तो प्रतिबिंब आपकी काल्पनिक होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो प्रकृति आपकी क्या हो जाएगी,
काल्पनिक और सीधा, क्योंकि यहां पे पोल के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए ये सीधा होगा। और इसका साइज क्या होगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये भी जो वस्तु है वो बहुत बड़ा है और वो अनंत में जाकर के काटेगी। तो अगर हम यहाँ से भी फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से भी देखते हैं कि पोल से इसकी कितनी ऊंचाई है, तो इसके कंपेयर में ये बहुत बड़ा है, तो क्या होगा, प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु से बड़ा है। गाइस यहाँ पे देखेंगे कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तब, तो ये आपका पोल हो गया, ये हो गया आपका फोकस, ये केंद्र। जब वस्तु फोकस और पोल के बीच होती है तो ये आपका फोकस और पोल के बीच हुआ, अब यहां से लाइट रेस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो लाइट रेज है यहाँ पे एक दूसरे को काट नहीं रही है, तो फिर से हम लोग देखेंगे फिर दर्पण के पीछे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे गाइस कि जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। तो अब हम लोग इसका देखेंगे कि इसकी स्थिति क्या है। तो पहले इसकी स्थिति क्या होगी, जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे है, तो इसकी स्थिति हो जाएगी दर्पण के पीछे। सेकेंड आपका प्रकृति इसका क्या है, तो दर्पण के पीछे जब भी बनता है तो वो हमेशा काल्पनिक होती है और पोल से ऊपर बनता है तो वो सीधा होता है। तो प्रतिबिंब क्या हुआ आपका, काल्पनिक और सीधा। थर्ड आपका देखेंगे साइज, तो साइज क्या है, ये ए बी आपका, ये ए डस बी डस है, तो इसके कंपेयर में ये बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब होती है उसका साइज वस्तु के साइज से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, और वो जब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होती है तो उसकी प्रतिबिंब कैसे बनती है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, और फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।